इतना बड़ा शब्द यूज किया ब्राइब वन, नहीं मतलब ब्राइब वाइब नहीं कर रहा वो, मैं एक्चुअली जेन्युइनली सॉरी हूँ, सीरियसली। नहीं चाहिए आपका सॉरी, जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इतना गुस्सा, आई मीन नहीं गुस्सा होने का हक तुम्हें है, गुस्सा होने का हक है, मैं तैयार रख रहा हूँ, मन करे तो ले सकते हो, लेकिन वो मेरा आने का पूरा प्लान था, मतलब आने ही वाला था, लेकिन बहुत सारा काम आ गया तुम्हें। पर आए तो नहीं ना। हाँ पर वो प्रॉमिस तोड़ा आपने फिर से। जानबूझ कर नहीं तोड़ा ना। जानबूझ के तोड़ा है। अरे मैं क्यों जानबूझ कर तोड़ूंगा प्रॉमिस? मैंने एक बार कहा था कि मैं प्रॉमिस में बिलीव नहीं करता, लेकिन ओके मैं समझ रहा हूँ, तो मैंने तुम्हें वेट करा है इसलिए तुम अपसेट हो, राइट? दैट इट मेक्स सेंस। जी नहीं, उस बात से नहीं हूँ। फिर किस बात से नाराज हो? क्योंकि मम्मा सैड हो गई है आपकी वजह से। आपको पता है उनके पैर में चोट लगी हुई थी, फिर भी उन्होंने 2 आवर्स खड़े रह के खाना बनाया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सीरियसली बहुत दिल दुखा दिया मैंने बच्ची का। यह ऐसे ही नहीं कह रही थी कि जितने भी दिन बचे हैं नाटक के उनमें पीहू को खुश रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर क्या करूं, कैसे खुश रखूं? मिस्टर हैंडसम, देखना मर्ज ड्रेस में प्रिंसेस लगेगी। पीहू को प्रिया के लिए ऐसी ड्रेस लानी थी, अभी मेरी हेल्प चाहिए थी। अब ये ड्रेस भी मैं उसके लिए लाऊंगा और उसके चेहरे पे स्माइल भी। मैं जानती हूँ अगर कृष्ण ने प्रॉमिस किया है तो वो उस ब्लैकमेलर को पकड़ के ही रहेगा, लेकिन तब तक मुझे पीहू और ईशान दोनों का बहुत ध्यान रखना होगा। एक तो कल पता नहीं क्यों ऐसी बेवकूफी होने दी मैंने, अगर कल रात की बात उस ब्लैकमेलर तक पहुंच गई तो पता नहीं वो क्या करेगा। मुझे पता है क्या करना है, आई मीन तुम्हारे बर्थडे पे। अच्छा हुआ तुम्हारा बर्थडे इसी वीक पे आ रहा है। Yes. इस डील को अप्रूव करने के लिए मैं हर एक मौके पर नजर रख रहा हूँ और यहाँ जो भी हो रहा है मुझे सब कुछ पता है। सो मेहंदी फंक्शन के बाद एक छोटी सी आफ्टर पार्टी प्लान की है, केक मैंने ऑर्डर कर लिया, लेकिन मीडिया के लिए वो राम भाई की तरफ से होगा। फिर तुम भाई और पीहू वो केक काटोगे एज फैमिली। ओके कूल। शुभम, तुम जानते हो ना मैं ये सब कुछ मिस्टर कपूर और इस फैमिली की मदद करने के लिए कर रही हूँ। हाँ जानता हूँ, पर तुम ऐसे क्यों कह रही हो? कहीं तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं इसके बदले? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और यही बात मैं मिसेस कपूर को भी समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस नाटक के चक्कर में मैं कहीं। हाँ रिया, वो हमारी मॉम है और जो कुछ भी उनके बच्चों के साथ हुआ उन्हें डर तो लगेगा ही, तुम्हें भी अपनी बेटी को लेकर डर तो लगता ही होगा, राइट? हर माँ का वीक पॉइंट उनके बच्चे होते हैं, राइट? देखो शुभम, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ आप लोगों की मदद करने आई हूँ और जैसे ये डील खत्म होगी मैं पीहू को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बदले में मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली पीहू ईशान किसी को कोई तकलीफ ना हो। ईशान का नाम क्यों लिया इसने? गई होगी, पर मुझे कृष्ण मिलना था, थैंक यू भी बोलना था। कोई बात नहीं, रात को थैंक यू बोल दूंगी। किसको थैंक यू बोलना है? हैंडसम को। ये देखो आपकी रिम ड्रेस आ गई, मैंने बोला था। ये कैसे? पर एक मिनट, मैंने आपको इसकी फोटो दिखाई थी है ना? हाँ, और मैंने उसकी ड्राइंग बना के आपके फोन से फोटो खींच के हैंडसम को सेंड किया। देखो, आपने और कृष्ण ने मेरे लिए मिलकर ये सरप्राइज प्लान किया। हाँ, कैसा लगा? बहुत 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 अच्छा, ये वर्ल्ड का बेस्ट सरप्राइज है। थैंक यू बेबी। ये ड्रेस कृष्ण नहीं लाया, मिस्टर कपूर लाए मेरे लिए। मिसुद, आप जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं कृष्ण को फोन करती हूँ।
उस दुकान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है प्रिया। सकरी गलियां, कीचड़ भरा रास्ता, ऊपर से बारिश में तो घुटनों तक पानी भर जाता है वहां। दी, आप रेडी? ओ माय गॉड, दी, ये आपकी ड्रीम ड्रेस है ना? एंड एक मिनट, ये आपको किसने दी? मिस्टर कपूर लेकर आए हैं डोंबिवली से। उन्होंने खुद आपको दी? नहीं, खुद नहीं दी, पर मैं जानती हूँ ये वही लेकर आए। जब वो घर आए उनके शूज में पूरा कीचड़ लगा था, और मिस्टर कपूर खुद से ऐसी जगह पे कभी नहीं जाते, और जिस जगह पे, जिस गली में ये दुकान है जहाँ पर ये ड्रेस मिलती है, वो वैसी ही है। वहाँ वाटर लॉगिंग होती है, बारिश में कीचड़ भर जाता है, तो मुझे पता है कि वो खुद जाकर लेकर आए मेरे लिए। अनु, I'm so happy for you, दी। Finally, आपकी ड्रीम ड्रेस आपके प्रिंस चार्मिंग ने ही दी। पर कैसे हालात में? हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ राम पिघल रहा है और वहां वो वेदिका पागल हो रही है। अब इससे पहले कि राम इन दोनों माँ बेटी को परमानेंटली इस घर में सेटल करे, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं राम से अभी के अभी बात करती हूँ। ओह नो, ये फंक्शन भी अभी शुरू होने वाला है। अरे अरे, नमस्ते, कैसे हो बेटा? खूब खुश रहिए। विक्रांत, मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए थैंक यू। मम्मा, थैंक यू आपको भी माँ, जो आपने मुझे अपनी बेटी दी। मैं सच बताऊं तो जब से सारा और ईशान मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी खुशियां डबल हो गई है। सो थैंक यू। शुभम बेटा, आपको भी थैंक यू, जो आप बीते कल को भुलाकर मेरी बच्ची की शादी में इतना कुछ कर रहे हैं। प्लीज, हैप्पी टू हेल्प आंट। सर, मैं जानती हूँ कि आप ये सब इस डील के लिए कर रहे हैं, पर मम्मा का मन रखने के लिए थैंक यू सो मच। चलो गाइस, मेहंदी की रस्म शुरू करें। मुझे भी मासी का मेहंदी लगानी है। ओले मिला, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आजा। अच्छा, कैसी मेहंदी लगाओगे? कैट, डॉग, फ्लावर, क्या लगाओगे? वी लिखूंगी। वी? अच्छा, आई मीन विक्रांत जी जो कवि। अम्मा जी, आपको ना सब पता है। पर मम्मा क्यों नहीं आई? मम्मा के बिना स्टार्ट नहीं करेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.